हेलो, नमस्कार दोस्तों। 30 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है एशिया के बारे में। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली पॉइंट ये है कि भी एशिया के अंदर स्टेबिलिटी स्थापित करनी है, और इस स्टेबिलिटी को स्थापित करने के लिए काफ़ी अहम बात वो सामने ही आती है कि एशिया में पहले देखते हैं हम अस्थिरता है क्या क्या। देखो, एशिया में भी काफ़ी अस्थिरताएँ वो फैली हुई हैं। जैसे देखेंगे भी एशिया में सबसे बड़े इश्यूज़ क्या हैं, एक तो अफगानिस्तान के तालिबान की काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके साथ देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया की काफ़ी एक गंभीर समस्या है कि नॉर्थ कोरिया किस तरीके से एक तरीके से तानाशाह के रूप में उभर रहा था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की डोमिनेंस का इशू आ रहा था, और मिडिल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी अस्थिरताएं हैं, मतलब इंसर्जेंसी वगैरह वहाँ पर फैल रही थी। तो ऑल ओवर बात यह है कि एशिया के अंदर हमें शांति स्थापित करनी है, उसके लिए काफ़ी स्टेप हैं हमें यहाँ पर उठाने होंगे। तो यहाँ पर मेनली इस आर्टिकल में जो डायमेंशन है वो आती है, यहाँ पर डिस्कस वो की जाती है चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में। क्योंकि देखो, अभी चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी थोड़ी टेंशन है, वो आ गई थी। इशू इसलिए था कि बाकी यूएन की जो वेस्टर्न कंट्रीज ना, उन्होंने एक्चुअली नॉर्थ कोरिया पे काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगाए थे, और नॉर्थ उन्होंने चाइना के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई आप नॉर्थ कोरिया को मनाइए और आप भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाम वगैरह लगाने की कोशिश कर रही है। बट एक्चुअली चाइना की भी नॉर्थ कोरिया ने नहीं मानी थी, तो इसकी वजह से चाइना काफ़ी परेशान हो गया था कि यार करें तो अब क्या करें। तो ऐसे माहौल में अभी जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, उन्होंने एक्चुअली चाइना की विजिट की है, और वो वहाँ की शांति स्थापित करने के लिए काफ़ी अहम हो जाती है। क्योंकि उन्होंने अपनी विजिट में एक बात की, वो ये बोली कि वो अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम चल रहे हैं उनको डीन्यूक्लियराइजेशन है वो कर देंगे। तो मतलब बात यह है कि जो नॉर्थ कोरिया के जो एक तरह से न्यूक्लियर वेपन के नाम पे धमकी दे रहा था, वो अब केस खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच के रिलेशन हैं वो भी इंप्रूव होंगे, और बाकी और वर्ल्ड कंट्रीज़ में शांति स्थापित की जाएगी। तो ये जाए दो चार पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो आया है सीबीएसई का जो पेपर स्कैम हुआ है अभी, उसके बारे में कि 10th क्लास का मैथ्स का पेपर और 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर है वो लीक हो गया है, उसके बारे में है। तो देखो, ये बात आती है सबसे पहले कि इंडिया में पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे देश में एसएससी के एग्जाम, स्टेट पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं, और ये नहीं कि आज पहली बार ऐसा केस हुआ, इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके से पेपर लीक हैं वो हुए हैं। तो ये कोई हमारे देश के लिए आम बात है वो नहीं आती है। यहाँ पे फिर देखो दो तीन पॉइंट आते हैं इस आर्टिकल में अहम। एक तो ये बात यहाँ पे सबसे पहले आती है कि देखो, हमारे देश में जो बच्चे हैं ना, जो 10th और 12th करते हैं, 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी नॉर्मली साइज होती है वो होती है 16 ईयर्स, मतलब 16 साल की उम्र में वो 10th है वो पास कर रहे होते हैं। और जबकि 12th ईयर के जो 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं एक्चुअली 18 ईयर्स, मतलब वो 18 साल की उम्र के आसपास होते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, हमारे देश में बच्चों के ऊपर एग्जाम का आपको पता है किस तरीके से एक तरीके से हावी बर्डन होता है। इवन हमने भी इस चीज़ को काफ़ी फेज की है। तो यहाँ पे डिस्कस ये की बात आती है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ऐसे माहौल में अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उनको वापस से दोबारा स्टडी करनी होगी और सारा काम कर दोबारा से एग्जाम देनी होगी, और उन 3 घंटों में उनका वापस फ्यूचर वो डिसाइड होगा, जो कि उनके बच्चों के लिए काफ़ी समस्या भरे चुनौती भरा टास्क हो जाता है। अब देखो, हमारे देश में क्या है कि 2-3 एक तरीके से रिवाज से बन चुके हैं। एक तो रिवाज ये बन गया है कि बच्चों के 10th के मार्क्स पर आधार से बच्चों का करियर डिसाइड हो जाता है कि भाई बच्चे के 10th में इस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं तो वो यही सब्जेक्ट लेगा और इसका फ्यूचर इसी में होगा। इसलिए क्या होता है कि पेपर लिख के कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स या सब लोग चाहते हैं कि यार हमारा बेटा वो ये करे, हमारा बेटा या बेटी है जो भी इस तरीके से काम हो करें, तो वो सोचते हैं कि भाई बेटी मेरा ये काम करे और बेटा इस तरीके से जो मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो कुछ भी बने। तो वो क्या करते हैं कि अच्छे मार्क्स के चक्कर में क्या है, पेपर लीक करवाते हैं, क्योंकि पेपर लीक होंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो उन्हें उसकी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और इसीलिए हमारे देश में पेपर लीक का जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। मतलब बात ऐसी है कि जो हमारे देश के स्टैंडर्ड्स हैं ना एग्जाम की, उनमें कमी है। अगर एक दिन में एग्जाम लेने की बजाय एग्जाम को पूरे ईयर के अंदर 2-3 किस्तों में लिया जाए, 2-3 पार्टों में जगह जगह चेक किया जाए, लेके दिया जाए, तो एग्जाम में क्लियरिटी आएगी और जो पेपर लीक होने की घटनाएं वो कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और उस एक पेपर के आधार पर एक्चुअली है वो सारा काम होता है कि भाई एक पेपर हुआ 3 घंटे का, उसमें बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो गया कि बच्चे का पेपर मैथ अच्छा हुआ तो भाई इंजीनियर बनेगा, बायोलॉजी का पेपर अच्छा हुआ तो ओबियसली डॉक्टर बनेगा। इस तरीके से जो धारणा है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है, और ये हमारी सोसाइटी की एक मेंटेलिटी बन गई है। तो जो पेपर लीक होने के पीछे रीजन है वो सबसे अहम रीजन ही आता है, और बच्चों के ऊपर जोर जो बोझ बढ़ रहा है ना, वो भी बच्चों के लिए एक्चुअली इस उम्र में ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप उठाने होंगे और सीबीएसई को भी कुछ नए प्रावधान है वो लेके आने होंगे। अब यहाँ पे बात की जाती है वो की जाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, वो इसी साल बनाई गई थी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनाई गई थी। 1860 के तहत इसका बनाया गया था। इसका मेन काम ये था कि हमारे देश में जो भी सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, जैसे कि कोई भी आप एग्जाम देख सकते हो कि नीट का एग्जाम हुआ, या फिर जो आईआईटी जेई का एग्जाम हुआ, या फिर और भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जाम किए जाते हैं, उन सब के आधार पर एक्चुअली टेस्ट वगैरह वो कंडक्ट है वो करवाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका काम क्या है। तो अभी ये उम्मीद
की जा रही है कि देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, वो सारे काम तो कर ही रही है, तो क्यों ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे इस चीज़ के ऊपर भाई फोकस किया जाए कि भाई आप है ना वो सीबीएसई की जो एग्ज़ाम होती है ना उसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान है वो दीजिए। मतलब जो सीबीएसई की 10th और 12th की जो एग्ज़ाम होती है वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही करवानी चाहिए ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहे, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सारा काम ही संभाल रही है एग्जाम से संबंधित, तो ये काम भी उसको ही संभालना चाहिए एक उम्मीद की जा रही है ताकि इस मामले में ज़्यादा क्लियरिटी हो आएगी। इसके साथ जैसा मैंने बताया कि जो एग्ज़ाम होती है साल में वो एक बार होने के बजाय मल्टीपल असेसमेंट में होनी चाहिए, मतलब साल में एक ही एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, साल में क्या है कि बार बार छोटे छोटे एग्जाम्स होने चाहिए ताकि बच्चों पे प्रेशर भी नहीं रहे और उनके ऊपर दबाव वो कम होगा और मार्क्स की भी मारामारी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी क्या होता है बच्चों में मार्क्स के लिए काफ़ी मारामारी होती है कि यार मेरे को ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मेरे को ये करना है इसलिए ये स्कोर चाहिए तभी मेरा यहाँ पर एडमिशन वगैरह होगा, तो इसलिए क्या पेपर लीक जैसे घटनाएं जो कांड वगैरह होते हैं। तो ये इसमें आर्टिकल में जो दो चार पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। इस आर्टिकल में डिस्कस ये किया गया है कि देखो अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल और भी डिस्कस किया था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन वो काफ़ी टेंशन भरे हो गए थे और देखा जाए तो दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक क्राइसिस वो आ गए थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेटिक्स को अपने आपस में बुला लिया था, मतलब इंडिया ने जो डिप्लोमेट्स काम करते थे पाकिस्तान में उनको वापस बुला लिया था, पाकिस्तान ने भी अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया से बुला लिया था, तो एक तरीके से ऐसे टेंशन वगैरह हो गए थे। बट राइटर ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा मामला है वो शांतिपूर्वक तरीके से ठंडा हो रहा है और कुछ अच्छे राहत कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। राहत कार्यक्रम किस प्रकार के कि जो हायर कमिश्नर्स थे ना जो डिप्लोमेट्स के उनको वापस भेजा गया है, मतलब इंडिया ने वापस अपने डिप्लोमेट्स को भेज दिया है और पाकिस्तान है उसने भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया है। इसके साथ जो बॉर्डर पे टेंशन थी उसके ऊपर भी लगाम लगी है, तो बॉर्डर पे भी थोड़ी शांति वो बनी हुई है काफ़ी टाइम से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो शांति स्थापित की जा रही है जो कि अच्छी बात है। बट एक अच्छा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो आता है कि भाई ऐसे क्राइसिस पैदा ही क्यों हुए, वाई इस तरीके के क्राइसिस पैदा हुए हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से ऐसे क्राइसिस हुए हैं, हमें उन कॉजेज को देखना होगा तभी हम समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जब तक हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस वजह से जो क्राइसिस है वो दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहे थे और उसके बाद हमें स्टेप उठाने होंगे। अब देखो दोनों कंट्रीज के बीच में जब डिप्लोमेटिक क्राइसिस उत्पन्न हुए थे ना उस टाइम पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया था। एक तो इंडिया ने आरोप लगाया था भाई हमारी जो बिल्डिंग है वो बन रही थी पाकिस्तान के अंदर, उस बिल्डिंग को लेकर कहा कि भाई जो कंस्ट्रक्शन की सप्लाई है वो नहीं हो रही है और पाकिस्तान ने उसको बंद कर दिया है ETC बात आया था, और पाकिस्तान ने इसके विपक्ष में बोला था कि भाई इंडिया है वो एक्चुअली जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं उनको इंडिया के अंदर उनको फैसिलिटी वगैरह का वगैरह नहीं मिलती है, पानी वगैरह का इशू था, वो सारे पॉइंट्स आए थे। इसके बाद में बात ये आई थी कि जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इंडिया में जो भी कोई क्लब होते हैं जैसे गोल्फ क्लब वगैरह इस तरीके के जो भी क्लब वगैरह होते हैं ना इनके अंदर एंट्री की हाई फीस ली जाती थी, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इंडिया हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। बट एक्चुअली इसकी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के डिप्लोमेट्स की एंट्री वो बैन कर दी थी, ये सारे रीजन से वो आए थे। मतलब बात ये थी कुल मिला कि माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था और इसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ गए थे। बट अभी एक तरीके से लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई शांति वार्ता हुई है और एक तरीके से शांति की तरफ दोनों अग्रसर है वो हो रहे हैं। इसके बाद में भी आते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की, कि देखो कोड ऑफ कंडक्ट है ना दोनों कंट्रीज के बीच में बार बार कहें कोड ऑफ कंडक्ट साइन किए जाते हैं ताकि भाई किस किस तरीके से हमें शांति स्थापित करनी है, हमें दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे होती है। अब ये बात की जाती है कि देखो रूल रेगुलेशन तो हर बार होते हैं बट उनको इंप्लीमेंट करना काफ़ी जरूरी हो जाता है, हमें लोकल लैंग्वेज के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर लोकल लेवल पर हम कोड ऑफ कंडक्ट है उसको रखेंगे तो इसका फायदा होगा कि जो लोकल पुलिस होती है उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई हमें जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ ऐसे बिहेव करना है, और पाकिस्तान के रीजनल लैंग्वेज में अगर जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई इंडिया के जो लोग हैं इंडिया के जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ हमें ऐसे ऐसे ट्रीट वगैरह करना है, हमें उनके साथ ये गलत काम वगैरह नहीं करना है क्योंकि ये हमारी लिमिट्स हैं ये कंडीशंस हैं। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए दोनों कंट्रीज़ के लिए ताकि वो काफ़ी सुटेबल हो सकें लोकल अधिकारियों के लिए और वो भी समझ जाए कि भाई डिप्लोमेट्स को हमें किस तरीके से ट्रीट वगैरह करना है। इसके बाद में बात ये आती है कि कई बार ये आता है कि जो डिप्लोमेट होते हैं ना उनको कई बार क्या होता है मिस ट्रीटमेंट का इश्यू आता है कि भाई इंडिया के अंदर उनको मिस ट्रीटमेंट किया गया था, पाकिस्तान के अंदर भी मिस ट्रीटमेंट किया गया था, वो सारे इश्यूज भी हमने यहाँ पे देख लिया कि मिस ट्रीटमेंट का बात है वो सामने आ रही थी। इसके साथ ही एक अच्छा पॉइंट आता है कि देखो दोनों कंट्रीज़ के देखो जासूस हैं वो एक दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, देखो ये सब बेसिक बात है कि सभी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया के जासूस हैं वो पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के जासूस इंडिया में काम करते हैं, और बात ये नहीं है कि केवल इंडिया के जासूस पाकिस्तान में ही काम करते हैं, इंडिया के जासूस चाइना में भी हैं, चाइना के जासूस भी इंडिया में, मतलब इंडिया
जासूस हर वाले हर कंट्रीज़ के एरियाज़ में और बाकी और कंट्रीज़ के जासूस भी इंडिया में है। अब देखो बात है कि जब भी जासूसों को या स्पाइस को पकड़ा जाता है ना, तो ऐसे माहौल में क्या किया जाता है, नॉर्मली उनकी हत्या कर दी जाती है। बट राइटर का ये कहना है कि उनकी हत्या करने के बजाय उनकी अदला बदली करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते कि नहीं भैया तो हमारा आदमी है ही नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी का इशूज़ वहाँ पर हो जाता है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई हमारा जासूस है, और उसके बाद उसके लिए नेगोशिएशन वगैरह करनी चाहिए ताकि जान की भी रक्षा की जा सके और फिर आगे नए एक्शन वगैरह ली जा सके। यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है वो जाता है कोल्ड वार का, जब कोल्ड वार चल रहा था जो यूएसएसआर और एक्चुअली यूएसए के बीच में, उस टाइम पे हुआ क्या था, उस टाइम पे हुआ था कि बीच में बार बार मतलब बार बार ऐसा उनके बीच में एक बार नहीं काफ़ी बार हुआ था कि उन्होंने आपस में जो भी उनके जासूस थे उनको एक तरीके से एक्सचेंज किया था, अदला बदली की थी। मतलब जो जासूस अमेरिका ने यूएसएसआर के पकड़ रखे थे वो उन्होंने वापस किए थे और यूएसएसआर ने अमेरिका के जासूस को वापस रिटर्न किया था। ये कंडीशन है वो भी इंडिया और पाकिस्तान को रखनी चाहिए आगे कंटिन्यू, तो इससे दोनों के जासूसों की मौत वगैरह वो नहीं होगी और रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव है वो होंगे। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे सामने है वो आता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल वो आया था ट्रांसजेंडर के बारे में। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जजमेंट में क्लियर ये प्रावधान था कि भाई जो ट्रांसजेंडर है उसको थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकृति मान्यता वो दी गई थी, और उसके बाद उसको आर्टिकल 21 के तहत मान्यता या कानून बनाने की बात की थी कि भाई आर्टिकल 21 के तहत इनको सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। ये सारी बात की थी 2014 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद। अब देखो बात ऐसी है, इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल लेके आई ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2016, जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो बिल पेंडिंग है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे जो भी है, बट इस बिल में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान है। इस बिल में किस तरीके के प्रावधान है, इस बिल में कुछ इस तरीके के प्रावधान है कि जैसे जो भी ट्रांसजेंडर है उसके साथ अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ कठोर एक्शन है वो ली जाए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो मतलब एक तरीके से उनको सजा वो मिलनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर को जॉब वगैरह में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको रहने वगैरह के लिए फ्लैट्स वगैरह जो भी उन गवर्नमेंट फैसिलिटीज लाती है सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जॉब वगैरह की बात आती है वहाँ पर उनको हरासमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन वगैरह कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। मतलब ऑल ओवर बात यह कि इस बिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ बात यह आती है वो आती है एक केस दिया गया यहाँ पे, वो दिया गया मनापी बंदोपाध्याय के। ये मनापी बंदोपाध्याय ना ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर थी जो कि स्कूल के प्रिंसिपल वो बनी थी। बट राइटर का ऐसा कहना है कि मनापी जो बंदोपाध्याय थे ना, इसने एक्चुअली प्रिंसिपल तो बन गई थी बट इसका वहाँ पे काफ़ी हरासमेंट होता था, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली टॉर्चर आप बोल सकते हो, कमेंट करना इस तरीके के काम होते थे, तो उसने रिजाइन करने की बात है वो की थी। बट फिर भी जो गवर्नमेंट है इसने रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया और अभी भी ये वहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पे राइटर एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी पोस्ट के बाद भी इनका हरासमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सोसाइटी की मेंटेबिलिटी है उसमें हमें कुछ चेंजेस वो करने होंगे। इसके साथ ही हमें लोगों को एक माहौल बनाना होगा और उनको अवेयर करना होगा कि भाई ट्रांसजेंडर वो हमारे ही साथ हैं, हमारे ही लोग हैं, कोई अलग किसी अलग एरिया से नहीं आए हैं, और वो हमारे ही एक अहम पार्ट है, हमारे ही कल्चर का एक अहम पार्ट है और हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा, हम उनको अलग थलग नहीं कर सकते। इसके बाद में बात आती है कि इस जो बिल में एक प्रावधान था वो था नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। इसमें यह था कि भाई जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है ना, उन पॉलिसी को ये काउंसिल वो वेरीफाई करेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर के नियम वगैरह का उल्लंघन है वो कर रहा है। तो इसलिए ये नेशनल काउंसिल इसका निर्माण किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही बात यह कि देखो हमारे देश में क्या है कि ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट आजकल जॉब तो दे रही है बट उनका ड्रॉप आउट रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कर्नाटका के अंदर मेट्रो के अंदर काफ़ी जो ट्रांसजेंडर थे इनको जॉब तो दी गई थी बट उसके बाद वो एक्चुअली जॉब छोड़ देती है। जॉब क्यों छोड़ देती है, क्योंकि उनको एक्चुअली काफ़ी गंदी नज़र से देखा जाता था, उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता था, खाने वगैरह में उनके साथ एक तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट वो नहीं होता था, तो उनको काफ़ी बुरा लगता था और इसलिए उन्होंने हार के जॉब वो छोड़ दी थी। ना उनको रहने के लिए घर वगैरह वो अलोकेट वगैरह किए जाते थे, काफ़ी अलग थलग उनको घर दिए जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको अलग थलग रखने की बात वो आ जाती है। तो इसकी वजह से राइटर कह रहे हैं कि जॉब के अंदर ड्रॉप आउट की समस्या है ना, वो भी हमें कम करनी होगी। इसके लिए सबसे अहम बात होती है कि भाई सोसाइटी का वो हम अवेयर रहे वो कर दें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है गेम्बलिंग के बारे में। आर्टिकल आज ये है कि भाई गेम्बलिंग को अलाउ करना है या नहीं करना है, इसको लेके है। मतलब गेम्बलिंग का मतलब कहता है जुआ होता है, सट्टा वगैरह जो खेलते हैं क्रिकेट वगैरह में लोग, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो बात ऐसी है, गेम्बलिंग जैसा हमने समझ गया कि जुआ होता है या फिर सट्टा लोग कहते हैं क्रिकेट वगैरह में, ये सारी चीज़ें क्या होती है गेम्बलिंग। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि हमारे देश में जो गेम्बलिंग है ना वो हर सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि गेम्बलिंग केवल क्रिकेट में ही होती है। गेम्बलिंग देखा जाए तो जो हो एक तरह से जो क्लब होते हैं उनमें भी गेम्बलिंग होती है, क्रिकेट के छोटे छोटे मैचेज में भी होते हैं, फुटबॉल के मैचेज में भी, तो मतलब हर लेवल पर गेम्बलिंग वो हो रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक क्रिकेट के लेवल पर गेम्बलिंग होती है। इसके साथ ही बात यह आती है जो गेम्बलिंग पर कोई भी एक्ट बनाना होता है वो बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि गेम्बलिंग है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये टॉपिक हमें याद आना है, यहाँ पे किसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। अब बात ऐसी है कि लॉ कमीशन ने क्या किया था,
सॉरी लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन है ना, उन्होंने एक अपना ये सुझाव दिया था कि भाई मेरे कोर्ट जो गेमलिंग है उसको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू है वो मिलने वाला है। अब हम इसके बारे में आज पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ के पक्ष में क्या है कि भाई हाँ गेमलिंग को अलाउ करना चाहिए, ना के पक्ष में क्या पॉइंट है, और जो न्यूट्रल पॉइंट है उनको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो बात ऐसी है, यस के पॉइंट में ये तर्क जाते हैं कि गेमलिंग है वो इंडिया में आज से नहीं चल रही है, गेमलिंग है वो इंडिया में महाभारत के टाइम से चल रही है। उस टाइम भी हमने देखा था कि किसी किसी गेमलिंग या जुआ वगैरह खेला जाता था, और बस आज फर्क क्या हो गया कि उस टाइम पे तो गेमलिंग को गंदी नज़र से देखा जाता था, और आज गेमलिंग है वो एक सोसाइटी का अहम पार्ट या एक तरीके से कल्चर है, कल्चरल पार्ट है वो बन गया, तो इसलिए गेमलिंग को लोग आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात है कि रेवेन्यू, कि देखो गेमलिंग होंगे तो इससे गवर्नमेंट को भी जुआ क्लब वगैरह होंगे वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू हासिल होगा, और उन रेवेन्यूज का गवर्नमेंट है वो सोशल सर्विसेज स्कीम वगैरह में यूज है वो कर सकती है। इसके बाद में बात आती है कि एक पब्लिक गेमलिंग एक्ट था 1867 जो कि बनाया था अंग्रेजों ने, इसके तहत हमारे देश में गेमलिंग है वो बैन है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो अंग्रेजों ने बनाया था और उसके तहत अभी भी इस एक्ट को हम फॉलो कर रहे हैं और हमारे देश में गेमलिंग है वो बैन है, जबकि यूके ने जिस कंट्री ने ये गेम बनाया था एक्ट इंडिया के लिए वो कंट्री है उसने खुद ही अपनी कंट्री में अलाउ कर गया, तो हमें भी इस चीज़ का यूज है वो करना चाहिए और गेमलिंग को अलाउ कर देना चाहिए। इसके बाद में बात की जाती है कि देखो गेमलिंग है ना वो हमारे देश में चोरी छिपे तो होती है, लोग जो लॉ एंड ऑर्डर वो इसको एक तरह से कंट्रोल तो कर नहीं पाए, तो हमें घुमा फिरा के बातें ही है कि हमें गेमलिंग को अलाउ कर देना चाहिए। और अब होता क्या है, देखो चोरी छिपे गेमलिंग होती है ना उसका नुकसान ही होता है कि जो माफिया है जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं ना वही इस चीज़ का फायदा उठा पाते हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं वो टेरर फंडिंग वगैरह करते हैं या फिर जो क्राइम वगैरह है वो बढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाती है। अगर इसको अलाउ कर देंगे तो उसका जो पैसा है वो ऑफिशियल लोगों से क्या होगा गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स के थ्रू, तो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट एक तरह से बाकी टैक्स के रूप में भी और लोग पैसा है वो वसूल लेगी। तो ऑल ओवर बात की जा रही है कि हाँ भाई ये है हमें अलाउ कर लेनी चाहिए। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो अगर मिसयूज़ होने की बात आती है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कानून है वो बनाना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को खिलाफ है एक तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। और अब बात आती है कि वल्नरेबल सेक्शन की, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का इसके ऊपर लिमिट लगनी चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी गेमलिंग में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि जो सोसाइटी का लोअर तबका है अगर वो भी गेमलिंग में इंक्लूड हो गया तो उसकी आजीविका का सवाल होता है, उसको नुकसान हो सकता है, उसको काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन में उसकी नुकसान हो सकती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए और कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि भाई हर कोई जो आम व्यक्ति से गरीब आदमी वो गेमलिंग वगैरह में ध्यान ना करें, अदरवाइज उसकी फैमिली क्राइसिस भी आ सकते हैं। देखते हैं नो के पक्ष में, नो के पॉइंट में ये तर्क आ रहे हैं कि भाई देखो गेमलिंग है ना वो एक एडिक्शन है, एक तरीके से नशे की तरह है, एक बार लोगों को लत लग जाती है तो लोग इसमें घुसे रहते हैं, और उसकी बात क्या होता है कई बार तो उनका दिवाली ही निकल जाता है फिर भी वो गेमलिंग वगैरह नहीं छोड़ते हैं, इससे क्या होता है कि वो सुसाइड वगैरह करते हैं और उनकी जो सोसाइटी उनका जो परिवार होता है उनके लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना वो करना पड़ता है। इसके बाद ही फैमिली की हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके इनकम वगैरह का सोर्सेज वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और बात ऐसी है कि जो कानून की कमी है ना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो पिछले पॉइंट में एक तर्क दिया गया था कि गेमलिंग है ना वो चोरी छिपे तो होती है इसलिए हमें इसे अलाउ कर देना चाहिए, तो इन राइटर का ये कहना है कि भाई ये तर्क बहुत बेतुका है। क्यों बेतुका है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि देखो आजकल लोग जैसे शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है, अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हो तो उसने ठोक दी और फिर हम बोल दें कि भाई गवर्नमेंट है वो सब लोगों को तो पकड़ ही नहीं पा रही है जो शराब पी के चलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है तो हमें शराब पी के गाड़ी चलाना अलाउ कर देना चाहिए, बस हमें पैसे ले लेने चाहिए। अब भाई आप बताइए कि अगर पैसे ले लेगी गवर्नमेंट तो वो किसी न किसी की गाड़ी में ठोक देगा और लोगों की भी जाने जा सकती हैं, तो अलाउ करने से फायदा थोड़ी होगा। हमें इसका मतलब ये है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि जो चोरी छिपे जो हो रही है उसको भी लगाम लगे जिसके, तो इस तरीके के बेतुके आर्ग्यूमेंट है वो नहीं देने चाहिए, इन साइडर का ये कहना है। इसके बाद बात ये आती है कि देखो यूथ आज की यूथ है वो पैसे की चकाचौंध में अगर ऐसी लत में लग गई ऐसी एडिक्शन होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को काफ़ी नुकसान पहुंचेगी और हमारा जो टैलेंट है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो बैटिंग वगैरह होती है क्रिकेट में उसको भी काफ़ी नुकसान होने लग जाएगा। मतलब क्यों बैटिंग का मतलब यहाँ पे है कि अगर बैटिंग इस तरीके होने लगी तो यूथ बैटिंग में पैसा लगाएंगे और वो अपना जो मेन टारगेट है उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे और उनका ध्यान है वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं कि भाई ब्लैक मनी है वो जनरेट होगी, क्योंकि चोरी छिपे काम हो रहे हैं तो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो भी जिन लोगों के पास अनाप शनाप का पैसा है फालतू का इधर उधर का वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जिनकी मेहनत की कमाई है वो जाके अपना पैसा गेमलिंग में लगेगा, तो इससे ब्लैक मनी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखते हैं कुछ बैलेंस पॉइंट, देखो बैलेंस पॉइंट एक्चुअली नाम के कहने के बैलेंस पॉइंट है, ये एक्चुअली यही कह रहे हैं कि भाई गेमलिंग वो अलाउ नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं कि देखो गेमलिंग वो गलत तो है ही है सोसाइटी की नज़र से, एथिकल नज़र से भी है गलत है और मॉरल तरीके से भी काफ़ी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इससे सोसाइटी में एक तरीके से असमानताएं बढ़ती हैं और लोग हैं वो गलत लत या गलत एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद में बात की आती है कि अगर गवर्नमेंट को कानून बनाना है सुप्रीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सबसे पहले तो इसे कॉन्क्लेव लिस्ट में लाना होगा, जब तक कॉन्क्लेव लिस्ट में टॉपिक नहीं आएगा तब तक इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कानून नहीं बना सकती है। इसके बाद में बात यह आती है कि अगर इसे रेगुलेट करना है तो इसके लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो लेने होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं कि गेमलिंग को हम रोक सकें। देखो बात ऐसी है अगर गवर्नमेंट गेमलिंग को नहीं रोक पाई ना, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया
तो सीन क्या होगा, लोग हैं वो ऑनलाइन गेमलिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमलिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है लोगों की तरफ से। और ऑनलाइन गेमलिंग में इशू सबसे बड़ा ये आ जाएगा कि ऑनलाइन जो गेमलिंग है उसमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, भाई इंडिया की एक्ट लगाएगी या फॉरेन की? अगर कोई भी आदमी है जैसे कि यूएस का आदमी है, वो यूएसए से बैठे इंडिया में गेमलिंग में पैसे लगा रहा है और फिर उसने पैसे वगैरह देने से मना कर दिया कि नहीं भाई पैसे मैं नहीं दे रहा, तो इंडिया क्या कर लेगा उसका? जब पहले नीरव मोदी जैसे लोगों पैसे लेके भागे उनका तो पैसा वसूला नहीं जा रहा है, फालतू में गेमलिंग का पैसा और टच जाएगा, तो इससे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो इस आर्टिकल में यही पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।